जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है टेक्नो पोवा 6 प्रो की तरफ से। मैंने जो प्राइसेस बताए थे ये उसी प्राइस पे लॉन्च हो चुका है इंडिया में। देखो यार, सिंपल वे में कहना चाहता हूँ, फोन इतना खास नहीं है, दूर रहो इस फोन से, चुपचाप से जाके iQOO Z9 या फिर Vivo T3 5G खरीद लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हो, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन 20,000 रुपये में Realme Narzo 70 Pro 5G या फिर Vivo T3 5G, iQOO Z9, ये कुछ अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं जिनको आप खरीद सकते हो 20,000 रुपये के अंदर में रहकर, ऑफर्स लगाकर, लेकिन इससे दूर रहना। वैसे Realme से याद आया, Realme GT6, Realme का नया फ्लैगशिप सीरीज Realme GT6, Realme GT6 Pro, तो Realme GT6 HDPPI सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। मतलब Realme के नए फ्लैगशिप फोन्स भी बनने को तैयार हैं या फिर बन चुके हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन में घूमना शुरू कर दिए हैं। देखो यार, मैं अक्सर कहता हूँ, उम्मीदें जब टूटती हैं तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे लाइफ में मैंने इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा फील किया है। हर रोज़ फील करता हूँ क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। मुझे पता रहता है कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ Realme GT5 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। अगर वो होना होता तो BIS पे लिस्ट होता वो। तो कुछ टाइम पहले आप पक्का ये न्यूज़ सुने होंगे, Oppo Find X7 सीरीज के फोन्स या फिर Oppo Find X7 Ultra इंडिया में आ जाएगा। वो भी नहीं आएगा मेरे भाई। अगर ये बात सच होती तो यार ब्रांड अपने फोन को इंडिया में लॉन्च करेंगे तो BIS पे लिस्ट करेंगे और अपने को सर्टिफिकेशन दिख जाएगा। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो यार उम्मीदें मत लगाया करो इतने जल्दी। हाइपर OS का अपडेट कौन कौन से Xiaomi के फोन्स में, पोको के फोन्स में देखने को मिलेगा, ऑफिशियल रोड मैप्स आ चुके हैं। पहले Xiaomi का रोड मैप देख लो, अभी फिलहाल इन सारे Xiaomi के फोन्स में आपको देखने को मिल ही जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। और पोको के स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलेगा, देख लो पोको के ऑफिशियल रोड मैप्स आ चुके हैं। तो यार अगर आपके पास पोको के ये सारे स्मार्टफोन्स हैं तो आपको अपडेट मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कुछ नए रोड मैप्स आएंगे इन फ्यूचर तो मैं जरूर से शेयर करूंगा। वैसे आप बताओ आपके फोन्स इस लिस्ट में, कमेंट करके बताना। वैसे टेक्नो से याद आया, टेक्नो वाले रुके नहीं है, टेक्नो पोवा 6 नियो भी आएगा। देख लो वो बिल्कुल टेक्नो पोवा 6 प्रो जैसा ही दिखाई देगा और इसका प्राइस भी काफी हाईफाई होगा। टेक्नो वाले अपने आप को कहीं सैमसंग तो नहीं समझने लग गए? जेमिनी नैनो का बीटा अपडेट कह सकते हो या फिर टेस्टिंग अपडेट गूगल पिक्सल 8 में रोल आउट हो चुका है। अपने फोन के ऊपर ये जुल्म मत करना, जाकर किसी का रिव्यू देख लेना यार, क्योंकि उसमें हार्डवेयर लिमिटेशंस है। आई होप सो गूगल वाले उसके ऊपर 7 साल तक सपोर्ट अपना दिखाएं, 7 साल अपना कृपा बनाकर रखें उस फोन के ऊपर। iPhone SE 4 या फिर iPhone SE 2024 या फिर iPhone SE 2025, आई डोंट नो एप्पल वाले कब इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके प्रोटोटाइप्स के लाइव इमेजेस आ चुके हैं। मतलब कि फोन का खांचा जिसके थ्रू फोन के सारे पार्ट्स को क्रिएट किया जाएगा, बैक पैनल वगैरह को, तो देख लो फोन ऐसा दिखाई देगा। मतलब कि जो रेंडर्स हमें मिले थे, जो बहुत टाइम पहले आपको CD रेंडर्स मैंने दिखाए थे, तो मैच कर जा रहा भैया, फोन ऐसे ही दिखाई देगा। टेंशन मत लो, सारे विजुअल्स आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, समझ जाओगे। कुछ वक्त से मैं आपको कहते हुए आ रहा था, सैमसंग गैलेक्सी M55 5G अप्रैल के स्टार्टिंग के कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा इंडिया में। तो ये अप्रैल के 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है। सैमसंग गैलेक्सी M15 भी लॉन्च हो जाएगा और सारे डिटेल्स तो मैंने आपको इन दोनों फोन्स के बारे में बता ही दिए थे, प्राइसेस भी मैंने बता दिए थे। तो वापस से सारे डिटेल्स देख लो यार, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको M55 कैसा लग रहा है और जो F15 था वही M15 होगा। Amazon के लिए आप तो जानते हो Samsung ये करता रहता है। पिछले 2 महीने से Motorola चाइना में अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन को टीज कर रहा है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया। आई डोंट नो वो कब लॉन्च करेगा। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल एंड होते होते तक वो चाइना में लॉन्च हो जाएगा, और किस्मत अच्छी रही तो जून के आसपास तक इंडिया में भी आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ Moto X50 Ultra के बारे में। जब वो चाइना से बाहर निकलेगा तो Moto Edge 50 Ultra बन जाएगा। उसके रेंडर्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो ऑफिशियल रेंडर्स हैं। पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी होगा। एज ऑफ नाउ स्पेसिफिकेशन ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं, मैं नेक्स्ट टेक न्यूज़ में कवर कर लूँगा, लेकिन जितने भी डिटेल्स आए थे मैंने आपको दिखा दिए स्क्रीन पे। कमेंट करके बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन है, बट इसका प्राइस आपको ज़रूर थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हो कि ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च होगा। अल्ट्रा लगा हुआ है, मतलब कि 60,000 रुपये, समझ गए ना, ऐसा कुछ प्राइस होगा। OnePlus Nord CE 4 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है और जो मैंने प्राइसेस बताए थे वो सच हो गया, 25,000 रुपए से शुरू होता है। देखो यार, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरे को ये फोन कुछ ज्यादा तूफानी नहीं लगा। समझाता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि OnePlus Nord CE 4 5G वही लोग खरीदे जिनको परफॉर्मेंस से मतलब है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा, पोको X6 Pro वहां पर घूम रहा है। अगर मैं कह दूं कि अगर आपको कैमरा से मतलब है तो इस फोन को खरीद लो, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा, क्योंकि वहां पर Realme 12 Pro सीरीज के फोन घूम रहे हैं, नथिंग फोन 2A है, iQOO के भी पुराने फ्लैगशिप्स हैं, Motorola के भी वहां पर फोन घूमते फिरते रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कमाल के कैमरा देते हैं। तो यार
सेंस नहीं बन रहा है इस फोन को किस कैटेगरी में डालें, किन बंदों को खरीदना चाहिए। देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, 22,000 रुपए ऑफर्स वगैरह लगाकर नथिंग फोन 2A मिल जाता है, वो काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये 25,000 रुपए का है तो पोको X6 प्रो क्यों नहीं खरीदते, आईकू नियो 7 प्रो क्यों नहीं खरीदते, और भी अच्छे अच्छे फोन है वहां पर यार। तो ये फोन कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके ये अपने आप को ही थोड़ा सा रोक देता है। और हाँ एक और बात, मैं एवं ये ओपिनियन बिल्ड नहीं कर लिया, मैं सारे फोन्स उस प्राइस रेंज में जितने भी हैं उन सारे फोन्स के स्पेसिफिकेशंस, डिस्प्ले कौन से टाइप का है, किस कंपनी ने बनाया, रैम रोम के स्टोरेज वर्जन्स, सभी चीज़ों का खाक छानने के बाद ही मैं ये अपना ओपिनियन बिल्ड किया हूँ। आईकू नियो 9 या फिर आईकू Z9 प्रो, इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर ज़्यादा कुछ अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन आईकू 9S प्रो, आईकू का नया फ्लैगशिप फोन, ये ज़रूर लॉन्च हो सकता है क्योंकि ये गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में लिस्ट हुआ है। और भाई ये फ़ोन बहुत ही कड़क है, आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बताता हूँ, चाइना का जो आईकू नियो 9 था वो इंडिया में आईकू नियो 9 प्रो बनकर लॉन्च हो गया, लेकिन जो चाइना का आईकू नियो 9 प्रो था वो जब चाइना से निकलेगा तो आईकू नियो 9S प्रो बन जाएगा, वही लिस्ट हुआ है गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग में। और इसमें भाई कमाल के स्पेसिफिकेशंस है, डेमेंसिटी 9300 है जिसको देखकर 8 Gen 3 के भी पसीने छूटने लगते हैं। और भाई इसके सामने 8 Gen 2, 8S Gen 3, 7+ Gen 3, ये सब तो भाई अभी नए खिलाड़ी है, लेकिन डेमेंसिटी 9300 बहुत कड़क प्रोसेसर है, वो गेमर्स के लिए बहुत अच्छा है, कमाल की गेमिंग करवाता है, जितना अच्छा 8 Gen 3 भी नहीं करवा पाता है। किसी शब्द कोश ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था आई होप सो मत कहा करो, आई होप बोला करो, आई होप ये फोन इंडिया में आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा यार, 45,000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस हो सकता है और ये काफी अच्छा ऑप्शन क्रिएट होगा। रियलमी GT Neo 6 SE कुछ कुछ जगहों पे रियलमी GT Neo 6 के नाम से लॉन्च होगा, ऐसे ऐसे कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, अगर ये अफवाहें सच हो गए ना तो बहुत सारे बंदे खफा हो जाएंगे, रियलमी ऐसा करना मत। वैसे इस फोन के ऑफिशियल लुक्स आ चुके हैं, लाइव इमेजेस आ चुके हैं, कर्व डिस्प्ले होगा और जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वापस से दिखा दे रहा हूँ, देख लो ब्रो, ये फोन बहुत ही जल्द इसी हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा ऐसे रूमर्स है चाइना में। अब देखना होगा कि कब तक ये इंडिया में आता है, आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि SE मॉडल है और SE मॉडल GT सीरीज के इंडिया में नहीं आते हैं। मोटो H50 प्रो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और जो मैंने प्राइसेस बताए थे वो सही नहीं हुए, खैर जिस सोर्स ने मुझे बताया मैंने उस सोर्स का गली छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत बार गलत हो चुका है यार। तो यार प्राइस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट 40-45,000 रुपये तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ यार, ये मोटोरोला है, सैमसंग नहीं है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको मोटो H50 प्रो लेना है दूर रहना भाई, परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है तब इसको खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार बंदा जितना भी मन मार ले, जितना भी खुद को कंट्रोल कर ले, लेकिन यार जितना पैसा आप दे रहे हो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, चाहे गेमिंग कर लो, चाहे डे टू डे लाइफ में फ़ोन को यूज़ करना हो गया, या फिर कोई भी भाई एक दो दिन का तो फ़ोन यूज़ करना तो है नहीं आपका, बहुत टाइम तक यूज़ करोगे 2-3 साल तक, तो यार परफॉर्मेंस मैटर करता है, जितना पैसा दे रहे हैं परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा तकलीफ दे देता है। और UFS 2.2 LPDDR4XM टाइप देखकर और ज़्यादा अजीब लगता है, ऊपर से इसके टेस्ट देखकर और भी मेरा दिल दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ यार कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इस फ़ोन को समझ गया ना यार, समझा करो। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं और आने वाले भी हैं तो उनका इंतज़ार करो, इससे दूर रहो। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज़ का प्रचार करने के लिए वो किसको हायर किए बताए, हमारे लॉर्ड बॉबी देओल सर को। और यार वो वैसे ही पोज कर रहे हैं पोस्टर में जैसे कि एनिमल पिक्चर में वो अपना कारनामा किए थे। यार एनिमल पिक्चर में उनका जो सीन था वो सडनली जब चेंज हुआ ना यार तो हम सब लोग चौंक गए थे। वैसे 12 अप्रैल को इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, दो ही फोन्स लॉन्च होंगे, बाकी सारे फोन्स के डिटेल्स तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वापस से देख लो भाई। ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो A3 प्रो बहुत ही जल्द बाहर के कंट्रीज में लॉन्च होगा, आई होप वो इंडिया में भी आए। इसके रेंडर्स ऑन लीक्स क्रिएट कर दिए, देख लो, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, Realme 12 Pro सीरीज के स्मार्टफोन्स का याद आ जाता है कैमरास और लुक्स वाइज देखकर मुझे। ऐसा तो नहीं कि Realme वाले इसको रीब्रांड कर देंगे या फिर OnePlus इसको रीब्रांड कर देगा, Oppo का फोन है तो कोई भी कर सकता है भाई। Redmi Turbo 3 aka Poco F6 का ऑफिशियल लुक आ चुका है, बैक से ऐसा दिखाई देगा, देख लो मेरे ब्रो, मतलब कि जैसा Poco F5 था वैसे ही दिखाई देगा Poco F6। थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे कैमरा हाउसिंग में, समझ चुके होंगे डिज़ाइन कैसा होगा। और हाँ एक और बात, चाइना में Redmi Turbo 3 इसका नाम हो गया है, चाइना से बाहर निकलकर जब इंडिया में आएगा तो Poco F6 इसका नाम हो जाएगा। कुछ कुछ जगहों पे Redmi Note 13 Turbo के नाम से भी लॉन्च होगा क्योंकि वो नाम भी रजिस्टर हुआ था, देख लो, दिखा दे रहा हूँ भाई स्क्रीन पे। टॉप 10 स्मार्टफोन्स जो सबसे ज़्यादा टॉप मारे थे एंटूटू बेंचमार्क्स के लिस्ट में, उनका लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुका है मार्च मंथ का, देख लो। जो मिड रेंज फ्लैगशिप फोन्स हैं उनमें OnePlus Ace 3V ने टॉप मारा है, AKA OnePlus Nord 4 ने,
जो फ्लैक्सी फोन्स हैं उनमें ASUS ROG फोन 8 प्रो ने टॉक मार लिया है। वैसे कुछ बंदों ने कहा था मुझसे, सुफियान भाई आप Antutu बेंचमार्क स्कोर्स दिखा दो 7+ Gen 3 का, 8S Gen 3 का, तो मैं आपको 8 Gen 3, 8S Gen 3, 7+ Gen 3 इन तीनों स्मार्टफोन्स के Antutu बेंचमार्क स्कोर दिखा रहा हूँ, देख लो आप समझ जाओगे। तो कमेंट करके बताना कि आप क्या समझ गए। टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स जो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सेल किए इंडिया में, उसका लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुका है, देख लो। कमेंट करके बताना कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो वो कौन से ब्रांड का है, और क्या आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है कि नॉर्मल स्कूटर है। मेरे पास एक्टिवा 4G है। रियलमी C65 आज लॉन्च हो चुका है, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे देख लो यार, कुछ तूफानी नहीं दे रहा है मेरे भाई, बस सैमसंग का कॉपी करने के चक्कर में रियलमी ने बोला चलो कर देते हैं यार, हिट हुआ तो ठीक है नहीं तो कोई ना, तो वही वाला सीन है भाई। सच बता रहा हूँ रियलमी वाले ऐसा काम क्यों करते हैं समझ नहीं आता। फ़ोन तूफ़ानी भी नहीं है तो क्या ज़रूरत था डिज़ाइन कॉपी करने का, कुछ फ़ोन ही अच्छा बना देते तो बंदे देख के बोलते हाँ चलो स्पेक्स सही है। टेक्नो कैमन 13 और टेक्नो कैमन 13 प्रीमियर, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं, और टेक्नो कैमन 13 प्रीमियर ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। आई होप सो टेक्नो वाले इसका प्राइस काफ़ी अच्छा रखें। चलो अच्छा लगा टेक्नो कैमन 13 सीरीज के फ़ोन्स इंडिया में बहुत ही जल्द आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का टेक्नो का आजकल स्टाइल हो रखा है, सैमसंग नथिंग की राह में निकल रहा है भाई, मुझे नहीं लगता कि वो अग्रेसिव खेलेंगे, वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाईफाई रखते हैं आजकल। Vivo V30e ये कहीं पर भी लॉन्च हो सकता है क्योंकि ये ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, इसका मॉनिकर भी कंफर्म हो गया है। आई होप सो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा निकले क्योंकि Vivo V29e काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। अप्रैल के 9 तारीख को iQOO 12 के डेजर्ट रेड कलर एडिशन का पहला सेल है, तो अगर आपको iQOO 12 लेना था तो नया कलर आ चुका है, मूड है तो उसके तरफ देख सकते हो। वैसे iQOO से याद आया, iQOO का फ्लैगशिप टैबलेट iQOO Pad 2 Pro आज Google Play Console लिस्टिंग में लिस्ट हो चुका है। अगर आपको इस टैबलेट के बारे में कुछ भी जानना है तो मैंने वीडियो बना दिया है, सब कुछ आपको पता चलेगा क्योंकि ये टैबलेट लॉन्च हो चुका है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी कड़क टैबलेट है यार, लिटरली बहुत मस्त टैबलेट है। आई होप कि iQOO वाले इसको इंडिया में लेके आए iQOO Pad 2 Pro के नाम से, Vivo वाले तो लाएंगे नहीं। यूरोपियन यूनियन एप्पल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, वो ऐसे ऐसे चेंजेस करने को कह रहे हैं जो मजबूरन एप्पल को करने ही पड़ जाते हैं, भाई ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। तो EU कहा एप्पल से कि भैया तुम्हारे फ़ोन में जो फोटोज का ऐप है ना उसको अनइंस्टॉल करने का एबिलिटी दो यूज़र्स को, बंदा अनइंस्टॉल कर सकता है, और भी कुछ कुछ ऐप्स हैं जिनको वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा एबिलिटी दो। वैसे कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, एप्पल आईफोन SE 4 इस साल लॉन्च नहीं होगा, 2025 में लॉन्च होगा। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सैमसंग बबुआ ने मना कर दिया एप्पल को, देखो भैया जितना टाइम दियो ना उतने टाइम में हम आईफोन SE 4 का डिस्प्ले तैयार नहीं कर पाएंगे, हमको थोड़ा वक्त चाहिए यार तभी तो सप्लाई क्रिएट कर पाएंगे, हम नहीं बनाएंगे डिस्प्ले को, हमसे ना हो पाएगा इतने कम टाइम में। सैमसंग ने ऐसा बोल के ये काम छोड़ दिया। पबजी मोबाइल के लेटेस्ट अपडेट में 120fps का गेम सपोर्ट दे दिया गया है, मतलब कि गेम में 120fps को आप अचीव कर सकते हो, ये बहुत बड़ा अपडेट है। जो बंदे इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है सुफियान भाई हमने फील कर लिया, और याद रखना मैं पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, BGMI की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे टेक्नो कैमन 30 सीरीज के स्मार्टफोन्स आज बाहर की कंट्रीज में अनाउंस हो चुके हैं, टेक्नो कैमन 34G, टेक्नो कैमन 35G, टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G और प्रीमियर तो अनवील हो गया था बहुत टाइम पहले ही, मैं उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो टेक्नो कैमन 30 और टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर ये दो फोन्स इंडिया में आएंगे, सारे डिटेल्स अब तक तो आप देख चुके होंगे। कमेंट करके बताना कि आपको फोन्स कैसे लग रहे हैं। हमारे काल भैया अप्रैल के 18 तारीख को अपने अपकमिंग प्रोडक्ट का डेट अनवील कर देंगे, जो प्रॉबली नथिंग एयर 3 होगा, नथिंग के नए एयरबड्स, क्योंकि नथिंग एयर 2 का प्रचार बीटल किया था तो नथिंग एयर 3 का प्रचार फ्रॉक करेगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो नथिंग फोन 3 के बारे में भी कुछ ना कुछ वो टीज जरूर कर देंगे। रियलमी 12X 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है, मैंने कहा था 15,000 रुपये में लॉन्च होगा, तो 15,000 रुपये जो मैंने बताया था वो हाइयर रैम वेरियंट का प्राइस था, लेकिन मैं सही तो हुआ। लेकिन यार ये फोन अच्छा है, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन दे देता है, वैल्यू अच्छा दे रहा है, ऑफर्स लगाओगे तो और अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। वैसे अगर मैं होता तो सेल्स में मोटो G54 5G लेने की कोशिश करता क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाता है और वो काफ़ी अच्छा फ़ोन भी है। वैसे आईफोन 16 सीरीज के सारे आईफोन्स के भी मॉकअप्स के लाइव इमेजेस आ चुके हैं, मतलब कि इतने टाइम से मैं जो आपको आईफोन 16 सीरीज के रेंडर्स दिखाते हुए आ रहा था वही डिज़ाइन 99.99% कन्फर्म्ड है यार। वैसे आप बताना आपके क्या रिएक्शंस हैं नए आईफोन्स के डिज़ाइंस को लेकर। देखो यार अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना क्योंकि सबसे एक्सक्लूसिव माल आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, मतलब कि एक्सक्लूसिव अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस। अगर वीडियो थोड़ा सा और अच्छा लग गया तो शेयर भी कर देना अपने किसी दोस्त के साथ या फिर किसी के साथ, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।